औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अनदर स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन अतर ऑफ रोजेज बाय ताहिरा नकवी। द टाइटल ऑफ टुडेज स्टोरी इज द नोटबुक। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर नो वेल अवेयर एज स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, a short story is a tale of fictional prose that has no specific length, but it is too short to be published as its on its own, like a volume of some kind, that is fiction indeed. Fictional piece of prose in short form is called a short story, which is read in one sitting. Almost it is a general definition of a short story. Some of the Pakistani writers are considered best short story writers in English, and Tahira Naqvi is one of them as well. Naqvi is a fictional writer, basically a professor and a translator who decided to work as a feminist. Naqvi is one of those writers who made a sensible effort to transfer myths of oppression to liberty and self-confidence about Pakistani women. The notebook short story under discussion has been taken from surely The Author of Roses and Other Stories of Pakistan by Tahira Naqvi, published in 1997. The story is about a newly wedded couple, a 1 year married couple. This marriage was turned to an abusive type of wedlock, however, but in the end the woman stands up for her liberty with confidence. Narration of the story helps the writer to convey her message to the reader. Bete, ye kahani jo aaj hum dekhne ja rahe hain, mukhtasar si kahani hai, bahut mukhtasar balki, lekin isme ek bahut hi nazuk pehlu ko, intihai nazuk balki jo hai wo hamari samajik zindagi ka pehlu jo hai usko ujagar karne ki koshish ki gayi hai कि ख़वातीन, पाकिस्तानी माशरे की ख़वातीन जो हैं वो महज जैसे कि मगरब उन्हें पेंट करता है कि वो शायद जो हैं वो ज़ुल्म व इस्तबदाद का शिकार ख़वातीन हैं, और महज जो है वो घर की लौंडियां बनकर रह गई हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ताहिरा नकवी ने पॉजिटिवली जो है, अगरचे मौजू इंतहाई नाजुक है, वेरी वेरी डेलिकेट टू टच अपॉन, और बहुत कम लोग जो है वो ऐसे मौजूआत को छेड़ते हैं, लेकिन ये चूँकि इस्मत चुगताई जैसे खातून राइटर से मुतासर हैं, तो इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो, आपको पता है, थोड़ा सा जो है वो हर मौजू को, बहुत ज़्यादा बल्कि हर मौजू को खुलकर जो है वो डिबेट करने वाले राइटर्स में शुमार होते हैं। तो लिहाजा इसने भी डरते डरते, ताहिरा नकवी ने भी बहुत मोहतात रहकर जो है वो एक इंतहाई नाजुक मौजू को जो है वो छेड़ा है। कहानी बहुत सादा है, वेरी सिंपल। एक हस्बैंड और एक बीवी, दोनों की ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, एक साल होने को आया, अभी तक जो है वो औलाद पैदा नहीं हुई। तो शौहर जो है वो बहुत गुस्से में है, रीज़न सिंपली दिस वन, दैट नो बेबी इज़ बॉर्न। तो वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है, बाकायदा मारता भी है उसे, उसका चेहरा ज़ख्मी होता है, खून बहता है, वगैरह वगैरह। तो अब्यूसिव टाइप ऑफ यू मे से ट्रीटमेंट गिवन टू द वाइफ। लेकिन एक दिन जो है, जब वो शौहर उसकी पिटाई करता है बदकिस्मती से, तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे बताती है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी दैट वी आर नॉट हैविंग अ बेबी, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू मैन, यू शुड गो टू और डॉक्टर। देन शी वेरी विक्टोरियसली कम्स आउट एज अ कोरेजियस लेडी ऑफ दिस पाकिस्तानी सोसाइटी हु टैकल्स अ वेरी सीरियस डोमेस्टिक अफेयर विद हर बोल्ड बिहेवियर। तो बेटे, मुख्तसर जी कहानी को बहुत खूबसूरती से जो है वो एक नाजुक मौजू को बहुत अच्छे अंदाज में आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी, वैसे टेक्स्ट पढ़ने से तल्लक रखती है, बहुत ही मुख्तसर कहानी होने के बावजूद वेरी पावरफुल स्टोरी ऑन अ वेरी डेलिकेट टॉपिक इंडीड।
My dear students, as I have already told you that it is a very short type of short story itself, very short type of. तो बेटे इसकी opening, अच्छा ये एक और मैं बात बेटे वजाहत कर दूँ. ये पहला सवाल है ताहिरा नकवी में से जो मैंने कहीं से जो है वो ये समरी जो है ना, इसमें गलतियाँ बहुत हैं ये सारे सवाल के सॉरी डिस्कशन में. ये मैंने कहीं से जो है वो उधार किसी से लिया, खुद से कुछ नहीं लिख सका ड्यू टू माई ओवर एंगेजमेंट इन माई हैक्टिक एंगेजमेंट इन माई ऑफिस वर्क एंड आई फील सॉरी फॉर प्रोवाइडिंग यू अ बिट नॉट अ सब स्टैंडर्ड बट अ बिट वीक मटेरियल इन दिस शेप. फॉर्मेशन पर ज़रा कभी कभार खुद भी पढ़ के ज़रा गौर करते जाइएगा, मैं भी देखूँगा. गलतियाँ बहुत हैं, ये मुझे किसी ने ऐसे ही सेंड किया, तो बाकी कुछ मैंने इसमें इजाफे जो हैं वो एंड पर जाकर इसके रिव्यू में या वो डाले हैं. बहरहाल ओपनिंग जो है वो बेटे कहानी की बहुत सादा सी है. द नोटबुक ओपन्स व्हेन सलमान्स हस्बैंड इज स्टैंडिंग इन द गली. स्ट्रीट में खड़ा है उसका शौहर और दरवाज़ा थपथपा रहा है. एंड पीपल आर स्टेयरिंग एट हिम दैट ही इज़ नॉकिंग द डोर एंड हिज वाइफ इज़ नॉट रिस्पोंडिंग एट हिज नॉक. His wife opens the door and after entering the house, he shouts at his wife that this is the third time when Salma was not responding and her husband was waiting for opening the door. आपने गौर किया, मैंने तो किया कि एक सेंटेंस में दो टेंस यूज़ हो गए हैं बदकिस्मती से. चलें आप इसको रेक्टिफाई कीजिएगा. उसकी बीवी जब दरवाज़ा खोलती है तो वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद आते ही जो है वो रिएक्ट करता है and reacts very angrily that this is the third time he was kept waiting outside the door and Salma was not responding as a wife running towards the door. So usse asal mein humiliation mehsoos hui ki log bahar gali mein khade usko ghoor rahe hain ki biwi pata nahi andar kya kar rahi hai. Ye hamara jaise muashra hai ki biwi andar se darwaza nahi khol rahi hai, bahar se thap thap kar raha hai. She answers that she was busy in the kitchen and making rotis. Then she moves to kitchen for making rotis and thinks that when she started lying to her husband for the first time. हैरान होने लगी खुद ही कि उसने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया. झूठ बोला उसने, क्यों झूठ बोला. अभी ये राज जो है वो नोटबुक की शक्ल में हमारे सामने आएगा. वो रोटियां नहीं पका रही थी असल में, वो नोटबुक पर जो है ना बैठी इशार लिख रही थी. शेर व शायरी कहीं से उतर आई है. शी हैज़ गॉट क्रिएटिविटी. बचपन से उसके अंदर एक हिस थी कुछ लिखने के लिए लिखाने की, तो अब मार खा खा के ना शायरी ज़्यादा उभर आई है. तो इम्पीटस तो है एक, जुल्म बर्दाश्त करते करते वो शायरा हो गई है. तो वो ये बात अभी अपने शौहर को से छुपा रही है कि शी हैज़ बिकम ए पोएटस. तो आम एक घरेलू बीवी से अब वो एक पोएटस. क्रिएटिविटी, शी इज़ ऑलरेडी अ क्रिएटिव फोर्स एज अ मदर एज अ वाइफ बट शी हैज़ ऑल्दो नोट येट गेंड द स्टेटस ऑफ ए मदर बट शी इज़ ए वाइफ ए हाउस वाइफ. तो ये भी तो क्रिएटिविटी है, घर चलाना और एक इस तरह के शौहर को काबू करके रखना जो कि ऑलवेज इन एंगर ऑलवेज हॉटी नॉटी. तो शी इज़ लाइंग इन डीड. ये पहले ही मैंने आप पर राज मुनकशफ कर दिया है कि ये क्यों ये दरवाज़ा खोलने में उसे देर होती थी. तो ये दूसरी तीसरी दफ़े ये वाक़या पेश आया. दिस इज़ द ओपनिंग दैट इज़ प्रेजेंटेड जस्ट लाइक ए मूवी. ये बड़ी ख़ास बात है, इसमें फिल्मी से अंदाज में कहानी की ओपनिंग की गई है. विद ए बैंग रादर यू मे से द रैटल ऑफ द डोर इज़ जस्ट लाइक ए बैंग. तो बिल्कुल उसी तरह से शौहर जो है दड़ाम से अंदर दाखिल होता है और आते ही जो है वो गालम गलोच शुरू कर देता है. शाउट्स, दिस इज़ अ वेरी मॉडरेट वर्ड यूज्ड बाई नकवी बट समवेयर She uses barks. Remember, somewhere in the text, she uses bark. तो वो ये मैं भी इसकी तशरीह नहीं कर सकता, आई कैन नॉट. तो वो शाउटिंग जो है उसको जो है वो बार्किंग तक जो है वो ले जाती है. तो मतलब शौहर जो है वो इस हद तक जो है वो क्या है उसे कहेंगे, आउट ऑफ द वे शौहर है. तो बहरहाल बिगड़ा हुआ कह लें. चले हम भी मॉडरेट अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर रहेगा, हम कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे जो हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता. चलें जी आगे देखते हैं जी ओपनिंग के बाद क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स,
After making the story open, Tahir Naqvi illustrates that the husband gave his wife Salma, that is, a notebook with a purpose. Notebook ऐसे नहीं लाके दिए कि कॉपी सी लाके दी है, उसे कहा है कि इस पे ना खातून ने कहा ना घर के जो अखराजात है ना रोज़मर्रा के, कितने किलो दही लिया, कितने किलो दूध लिया, हर सब्जियां कितने की ली, ये सारे पैसे खर्च जो हुए हैं एक दिन में, यू हैव टू गिव डिटेल्स, और मैं रात को आके इसके अकाउंट्स चेक करूंगा काम से वापस आके. हर हस्बैंड गेव हर अ नोटबुक टू राइट डाउन द डेली एक्सपेंसेस. शी राइट्स डेली एक्सपेंसेस इन द नोटबुक एंड हर हस्बैंड चेक्स इट. बट वंस बाय लुकिंग एट द क्लाउड्स शी गॉट इंस्पायर्ड टू राइट हर नेम एंड वर्स इन द नोटबुक एंड रिमेंबर्स that in her childhood she used to write takhti poems and letters to her friend Shahida, who was moved to Dubai after her marriage. So yakdam ek inspiration hoti hai ji, badal dekhti hai aasman par, dekhiye impetus aur inspiration aise yakdam aa jati hai, banda baithe baithe shayari shuru kar deta hai. Tanhai bhi ek bahut bada jo hai wo impetus hai. Akeli bichari ghar pe hai sara din, to अब उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, बर्तन और रोटियां पकाने के अलावा, बर्तनों की सफाई, घर की सफाई, कपड़े धोना, तो बाकी का वक्त जो है वो फिर कैसे गुजारेगी. जाहिर है लिथार्जिक तो नहीं है, शी हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ क्रिएटिव माइंड. तो उसे याद आता है कि वो बचपन में तख्ती लिखती थी और कभी कभी नज़में भी लिखा करती थी और लेटर्स लिखा करती थी शाहिदा को, ये इसकी सहेली थी. She sometimes used to copy poems from magazines. रसालों से भी कुछ ना कुछ नज़में वगैरह वो नकल करके खूबसूरती से तख्ती वगैरह पर या कॉपी पर लिखा करती थी. Those poems are hidden in her red suit. और अभी भी उसने रेड सूट केस में अभी भी वो लुको के रखी हुई हैं बचपन की वो जो यादें हैं. वे शी वोर एट हर मैरिज, शादी पर जोड़ा पहना था ना उसके अंदर ही उसने वो नज़में लुको के रखी हुई हैं. बट Now she doesn't know about those poems. भूल गई बेचारी. उसके बाद शादी का जोड़ा आपको पता है एक ही दिन पहनते हैं, उसके बाद उसे लुको के फिर पेटी में रख देते हैं. Now she has not, she has got a notebook and writes couplets in it against her husband's will. शौहर ने देखे ना अब ये क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है. शौहर ने उसे दिया नोटबुक घर के अखराजात लिखने के लिए, वो उसको क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, इस्तेमाल कर रही है अपनी क्रिएटिव इम्पल्स को एक्सप्रेस करने के लिए. तो ये कन्फ्लिक्ट सा हो गया. चले छुपा रही है अपने शौहर से. क्या बीवियों को अपने शौहरों से कुछ छुपाना चाहिए, खा वो क्रिएटिव ही क्यों ना को हो. मस्बत काम है ना शायरी करना, कोई बुरी बात तो नहीं है. वन नाइट व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर अबाउट द नोटबुक वेदर शी नोटेड डाउन डेली एक्सपेंसेस इन द नोटबुक और नॉट, शी लाइड वेरी फर्स्ट टाइम टू हर हस्बैंड दैट She was performing her work honestly. झूठ बोला उससे, हालांकि अब वो अखराजात की बजाय, अखराजात अब जहन में कहाँ आएंगे जी, अब तो वो शेर आ रहे हैं धड़ाधड़. शायरा हो गई है वो इब्तदाई तौर पर. No, she doesn't have magazines to copy poems from. She closes her eyes and thinks and ponders and looks inwards into her soul. And then writes couplets into the notebook. Her husband asks for the notebook to check the account, but she makes lame excuses. बहाने बाजियां अब लुको ली है उसने नोटबुक भी. This process goes on, and she completes a गज़ल in 2 weeks. 2 हफ्तों में एक गज़ल तैयार कर लेती है. चलें जी. She wrote many couplets and poems in the notebook. फिर उसके बाद बस ये सिलसिला चल निकला. जब एक बार तखलीक शुरू होती है ना, तो तखलीक के आगे बांध नहीं बांधे जा सकते. वंस हर हस्बैंड आस्क्स सलमा टू शो हिम द अकाउंट द डिटेल द नोटबुक, शी रिप्लाइज दैट शी हैज़ लॉस्ट द नोटबुक. फिर झूठ बोला. ये आखिरी झूठ है, इसके बाद कहानी अंजाम की तरफ बढ़ेगी. हर हस्बैंड अब्यूज़ हर एंड सेज दैट हाउ हैव यू बीन राइटिंग टू योर लवर. ये अब शक, ये एक रवायती देसी शोहरों वाला रवैया हो गया है इसका. एंग्री तो पहले ही है, अब ये बीवी पर शक करना कि ये दरवाज़ा क्यों देर से खोलती है. व्हाट शी इज़ डूइंग इन द हाउस,
ये ज़रा एक और नाजुक मौजू जो है वो राइटर ने छेड़ा है. शी रिप्लाइज दैट हाउ कुड ही से दिस टू हिज वाइफ. लेकिन वो आगे से भी करारा जवाब देती है कि आप अपनी बीवी पर शक कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें. दिस आंसर मेक्स हिम एंग्री. इस आगे से कहता है तुम बोलती हो, जवाब देती हो अपने शोहर को बेशर्म बेहिया बीवी. ये बर्बिस उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है. एंड ही बीट्स हिज वाइफ. फिर वो उसकी बदतमीजी करता है, उसे मारता है. शी नोज द रीज़न ऑफ हिज एंकर. अंदर से ये जहर है बीवी है जी, उसे पता है कि इसके गुस्से की वजह क्या है. एंड हार्शनेस. एंड शी डिसाइड्स टू विजिट द हॉस्पिटल. बहुत अच्छा फैसला करती है. ये देखें, ये नकवी ने पाकिस्तानी एक औरत के करदार को, मजबूत करदार को पेश किया है. एंड दैट इज़ अप्रिशिएबल एज ए राइटर. ज़बरदस्त, यहाँ कोशिश की जानी चाहिए कि इसको अपलॉड किया जाए. दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ सोसाइटी. एक औरत अकेली बेचारी जुल्म सितम सह रही है, लेकिन शिकस्त नहीं मानती है. शी इज़ नॉट रेडी टू सरेंडर. वो क्या करती है कि अब उसे पता लग गया है कि रीज़न क्या है, तो वो अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल चली जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग शी कंसल्ट्स अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर टेल्स हर दैट शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल बट हर हस्बैंड नीड्स ए चेकअप. अब डॉक्टर ने जो है असल वजह उसे बता दी है कि आपको नहीं, आपके शोहर को जो है वो चेकअप की ज़रूरत है. तो बेटे, ये नाजुक मौजू को जो है वो देखें इस तरह से खूबसूरती से पेश करना. देखें यहाँ अल्फाज का चुनाव, अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आप हैरान होंगे कि नकवी ने वाक़ेतन, ये तो इसमें भी इसको समराइज करते हुए बात को ज़रा और क्लियर कर दिया गया. वहाँ बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया है उसने एज ए राइटर, और अच्छा लगता है कि ऐसे ही बात जो है वो की जानी चाहिए. आफ्टर रीचिंग होम सलमा राइट्स ए कोपलेट इन द नोटबुक. फिर एक शेर उतर आया है. अब ये ज़ाहिर है शायरी किस तरह की है आप समझ रहे हैं. द डोर बेल रिंग्स एंड हर हस्बैंड रीचेस होम बिफोर हिज टाइम. इस वक्त आ गया है आज शौहर जो है. शी हाइड्स हर नोटबुक अंडर द पिलो. अब इससे ये जो है ना बेचारी को वो नोटबुक सही तरह से कितने लुकोने का मौका नहीं मिला है, तो सराहने के नीचे जो है लुको दी है. एंड ओपन्स द डोर. दरवाज़ा खोलती है. हर हस्बैंड एस्क्स हर टू ब्रिंग वन ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम. तेल लग गई है उसे, तो वो उसे कहता है जाओ भी पानी लाओ. व्हेन शी एंटर्स इन द रूम शी सीज द नोटबुक इज इन हर हस्बैंड्स हैंड. और ये अब धमाका, ये वो पिलो के नीचे से वो दरियाफ्त कर लेता है. उसके बकौल तो वो गुम हुई हुई थी ना, तब जाहिर है शौहर पहले ही जो है वो एंग्री हस्बैंड है, तो वो एंग्री बर्ड जो है वो आप देखें इस पर कैसे झपटता है. सलमा पुट्स ग्लास ऑन द साइड टेबल. उसे नहीं पकड़ाती है क्योंकि वो तो नोटबुक पकड़ के बैठा है, साइड टेबल पर ग्लास रखती है. एंड लीव्स द रूम. और कमरे से निकलने की कोशिश करती है. एंड सिट्स ऑन द चेयर इन द वरांडा. बाहर आके वरांडे की चेयर पर जो है वो विराजमान हो जाती है. दोनों के दरमियान आपने देखा देर इज़ ए गैप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. नो कॉन्फिडेंस, जिसे हम म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं, वो ख़त्म हो चुका है. हर हस्बैंड बिकम्स एंग्री ऑन हर. उसे गुस्सा आता है कि झूठी कमीनी, बाहर निकल के वो उसको बस मारना शुरू कर देता है. ये अल्फाज वो मुंह से अदा करता है. एंड थ्रोज नोटबुक एट हर बाई कॉलिंग हर ए बैरन स्लट. एंड दिस इज वेरी हार्श वर्ड. एंड कम्स फॉरवर्ड टू बीट हर. अब वो आगे बढ़ता है ना जंप, तो यहाँ देखें देर इज़ ए चेंज इन हर बिहेवियर. पहले बेटे वो बड़ी बेचारी, क्या उसे कहते हैं, स्नोबिश, हस्बैंड के सामने चुपचाप मार खाती रहती थी कि इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ माई जॉब. नो, दिस इज़ नॉट असाइंड और अलॉटेड रोल ऑफ अ वुमेन और ए वाइफ इन पाकिस्तानी सोसाइटी. ख्वातीन मार खाने के लिए नहीं होती हैं. तो वो बहरहाल सबमिसिव बिहेवियर जो था वो अब चेंज होता है. अब वो जो है वो जैसे ही उसका शौहर उसकी तरफ बढ़ता है, तो देखें अब वो कैसे आगे से. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन हर हस्बैंड रीचेस टू हर टू बीट हर शी रिप्लाइज टू हर हस्बैंड दैट शी इज़ नॉट बैरन स्लट और एनीथिंग एल्स ही इज़ सेइंग एंड कॉलिंग टू हर. इट इज़ हर हस्बैंड हु इज़ टू ब्लेम हु नीड्स ट्रीटमेंट एंड इफ ही विल बीट हर दिस इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. शी विल लीव द होम एंड ही विल नॉट सी हर अगेन. तो वो घर से चली जाएगी और फिर उसकी शक्ल दिखाई नहीं देगी.
हर हस्बैंड अम्यूजेज ऑन हर रिएक्शन, कह कह लगाता है अगर तू हूँ कितने जा सकती। शी कलेक्ट्स द नोटबुक पेजेस एंड गोज टू सब्जी वाला एंड आस्क फॉर फ्रेश वेजिटेबल। इसका मतलब है ये जो आखिरी अम्यूजमेंट है ना शोहर की, ये कह के लगाना वगैरह, ये शिकस्त तस्लीम कर चुका है और वो सलमा जो है वो जीत गई है, शी इज़ विक्टोरियस। वो फटे वो जो पेजेस हैं नोटबुक के जो उसने उठा के मारी थी उसके मुंह पे, वो उसको कलेक्ट करती है, सारे पेजेस को इकट्ठा करती है और खामोशी से अपनी ड्यूटीज़ नहीं भूली है, सब्ज़ी वाले से ताज़ा सब्ज़ी लेने चली जाती है। इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। बट इट इज़ ए विक्ट्री, अनअनाउंस्ड विक्ट्री, रादर द हस्बैंड इन हिज अम्यूजमेंट एक्सेप्ट दैट ही इज़ ए फेलियर। तो बेटे ये एक औरत के जो है वो करेज, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसके करेक्टर की सही पोर्ट्रेयल है। ये पाकिस्तानी सोसाइटी है। तो वो जो एक ज़ालम शोहर है, अब ज़ाहर है इसको यहाँ चूँकि ख़त्म करना था कहानी, इंतहाई मुख्तसर रखनी थी, जो व्यू पॉइंट था, मैसेज था, दैट हैज़ बिन कन्वेड। अब इसका आगे जो मंजरकशी है ना, वो भाई हमें छोड़ दिया गया है ना कि यू आर टू थिंक अबाउट। ये कहानी तो एक बात कन्वे करती है ना, एक कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी। अब इसके बाद अगर आपने इस पर नावल क्रिएट करना है तो फिर आगे चला दें, इसको चलाते जाएं जैसे खवातीन राइटर्स चलाती हैं, तो आगे तक ले जाएं जहां तक ये इनकी डेप्थ तक ले जा सकते हैं आप इसको। यहां बहरहाल वो जो मेन थीम था जो हम तक कन्वे करना चाहते थे राइटर, वो कन्वे हो गया। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी। माई डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टेक अ क्रिटिकल लुक at this small short story that is the notebook, we feel delighted, although the topic, the subject matter is very delicate and very very touchy so far as our society till today is concerned. We are people of traditions, we are people with good norms, and we avoid to discuss such matters in public, especially in public life, but it is a fact, a reality, and it cannot be avoided, and that is what Taher Naqvi has very successfully elaborated and narrated as a writer. Gentle people, please, the next portion is the critical review till the conclusion of this today's discussion. And this has been dealt in a very different way, in a simple way. In the notebook, mimetic mode of narration is presented. Mimicry jaisa, jaise nakal utari jati hai. The below lines show the mimics modes as the narrator explains the each detail that how the character Salma gets inspiration for writing the poems. Ye bete ek chota sa udhar se hai wo reference aapki text mein se. It was only 10:30. Her husband won't be home until 1, and the doll would simmer a while longer. Abhi yani masroofiyat koi nahi hai. Feeling lazy, she stretched her legs on the bed, and the notebook opens in her lap. She stared out the window next to her bed. There was not much to see, just some shiftless black crows on a neighbor's low wall. Beyond that, a placid sky with small inspired cloud that gave promise of neither rain nor shade. Badal ka ek halka sa tukda hai aur wo khidki se bahar dekh rahi hai, and it is the first inspiration for our creative ability to get out of the gutter, ise kaha jata hai, uske andar se jo hai wo pehli baar jo hai wo root out hui hai और स्पर आउट हुई है, प्रॉप अप हुई है, क्रॉप अप हुई है वो क्रिएटिव अर्ज। द क्रिएटिव अर्ज दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड एंड बोर्न रॉदर रीबोर्न इन द मेन करेक्टर ऑफ सलमा। देयर आर सर्टन अदर टेक्निक्स द राइटर हैज़ यूज्ड टू कन्वे द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, especially the technique of focalization.
focalization has three types, which are zero focalization, external and internal focalization. Zero focalization is very simple to understand when there is no message conveyed through focalization. External is again very easy to understand when it is the spoken language of the characters. That is called the external, when words are used to express the ideas, the characters of the story. Then there is the internal focalization, that is psychoanalysis, you may say. External or observable focalization means what a character says or does. Ye dekhe, ye vaze kar diya gaya hai. The reader thinks that he or she is the part of the story in this type of focalization. Standing for her husband's charpai, her head buzzing, feeling hot all over her body as if in the grief of a fever, she said, "It is lost. It has been lost for a long time. I didn't tell you because I thought you might get upset." These are the lines quoted from the story. The above quoted lines help reader to get inside the story as the scene is portrayed in the front of the reader. The writer inspired the reader by giving each and every detail of the scene so that the reader can feel that he or she is the part of the story. Dear students, then again, look at these lines. She was surprised. She didn't feel any pain. This is the beating scene. There was a warm red blood on her hand where she touched her forehead with it. ये हाथ पर खून नज़र आता है उसे, लेकिन वो अब पेन महसूस नहीं करती है. दर्द का हाथ से गुजरना है, दवा हो जाना. तो इतनी बार बेचारी की पिटाई हो चुकी है कि ये दर्द अब महसूस करना उसने छोड़ दिया है. दीज लाइन्स शो दैट सलमा हैज़ नो फीलिंग अबाउट पेन वाइल ब्लड इज ब्लीडिंग फ्रॉम हर फोरहेड एंड हर हस्बैंड हैज़ बीटन हर बैडली. इन कंट्रास्ट ऑफ एक्सटर्नल और ऑब्जर्वेबल फोकलाइजेशन, इंटरनल फोकलाइजेशन फोकसेस ऑन करेक्टर्स व्हाट दे थिंक और फील. That is the psychoanalysis. The internal focalization is also seen in this story. There is the same reference from the story, please, to convey to what the internal focalization is. People in the street start wondering where your wife is, what she is doing when you have been knocking and there is no sign of her, he shouted when he was inside the door. This is the third time you have made me wait. She avoided his gaze. Why do you take so long? He barked. This is the word I told you Tahira Naqvi has used sparingly. As she turned on walkway from him toward the kitchen, usse bachkar jab wo kitchen ki taraf jane lagi, to he barked. Dekhen ye bete, ye line jo hain, ye internal focalization ko jo hai wo pick kar. Dear students, then Tahira Naqvi has used a free use of two techniques, the filmy techniques, the flashback and the flash forward techniques, which are technically called in film making analepsis and prolepsis. To ye do techniques jo hain bete, ye waise film making se mutalliq hain, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ मुसनफा ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो किया है. राइटर यूजेस फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक्स ड्यूरिंग द नरेशन टू एक्सप्लेन द पास्ट इवेंट्स और प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स इन द स्टोरी फॉर द रीडर. दोज टेक्निक्स आर कॉल्ड एनालिप्सिस एंड प्रोलिप्सिस. एनालिप्सिस फ्लैशबैक्स को कहेंगे, माजी की यादें जो हैं, और नॉस्टैल्जिया जिसे आप अपने लफ्ज़ों में कह देते हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड जो है वो प्रोलेप्सिस, फ्यूचर प्रेडिक्शंस आर मेड. नकवी यूजेस एनालिप्सिस और फ्लैश बैक टेक्निक टू टेल द पास्ट स्टोरी और चाइल्डहुड मेमोरीज टू द रीडर ऑफ द करेक्टर्स. दैट हाउ सलमा इंस्पायर्ड वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इन हर चाइल्डहुड. फॉर इंस्टेंस शी हैड रिटन ऑन हर तख्ती. ये पहले भी जो है वो अब देख चुके हैं. देखें चले बहरल. She had written on a takhti, with reed pens, वो जो कलम होते थे उनसे, and black ink, काली स्याही, when she was a child, जब बचपन में. ये तख्तियाँ लिखने वाला ज़माना आप पर तो गुजरा नहीं है, आपको पता नहीं तख्ती वो कैसे वो पहले कलम बनाते थे काने की और फिर उसे लिखते थे स्याही से, लेकिन ये आपका ज़माना, अब तो भाई
अच्छी अच्छी पेंसिलों का ज़माना है और तख्ती तो आपने बिल्कुल सिरे से नहीं देखी है, तो लिहाजा आप नोटबुक वाले लोग हैं। द वर्ड्स ऑन द ग्रीनिश येलो क्ले वॉश अंडर हर हैंड एज शी ड्रैग्ड द नेब्स पेन थिक विद विस्कस इंक, ये वही गैरी स्याही, कमिंग टू लाइफ एज इफ देर वॉज सम मैजिक शी हैड विल्डेड। अब उसके हाथ में जब वो पेन आ गया ना, अब देखें पहले वो लिखा करती थी वो काने की पेंसिलों से कलमों से, अब जो है वो पेन है उसकी स्याही जो है ना थिक किस्म की, वो उसे लग रहा है जैसे वो कमिंग टू लाइफ। दिस इज़ द टेक्निक ऑफ फ्लैश बैक, और ये नकवी ने जो है वो खूबसूरती से इस्तेमाल की है। इन दिस शॉर्ट स्टोरी द नोटबुक, ताहिरा नकवी हर सेल्फ इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ये बात बड़ी आसान सी है, समझ में आ जाने वाली है कि उसने देखें इसको फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखा है, कोई खतून अपनी कहानी बयान नहीं कर रही है। देखें जैसे शब्बो वली आपने देखा था कि शब्बो इज़ द नरेटर, हैज़ बिन पोज्ड एज ए नरेटर, हालांकि भी कहानी तो ज़ाहिर है लिखारी तो लिखने वाले कारण, लेकिन यहाँ जो है ना नरेटर ताहिरा नकवी खुद है और ऑब्जर्व करती है सारे वाक्यात को। क्विकली सलमा रैन टू द डोर एज रैटल द लैच, ही डिडंट लाइक टू बी स्टैंडिंग इन द गली आउटसाइड द हाउस वेटिंग एज इफ ही वर ए गेस्ट। ये नरेशन का तरीका है और इसको अच्छी तरह नकवी ने जो है वो यूज़ किया है। ताहिरा नकवी एज अ पाकिस्तानी राइटर डिपिक्स द कल्चर ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी इन हर स्टोरीज एंड मेक्स अ सेंसिबल एफर्ट टू ट्रांसफर मिथ्स ऑफ ऑपरेशन टू लिबर्टी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट पाकिस्तानी वीमेन। नकवी यूज्ड बोथ मिमेटिक एंड डायजेटिक मोड ऑफ नरेटोलॉजी, नरेशन से नरेटोलॉजी, ये नॉलेज ऑफ नरेशन, साइंस ऑफ नरेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोकलाइजेशन, फ्लैश बैक टेक्निक्स, टैग्ड एंड डायरेक्ट स्पीच इन हर शॉर्ट स्टोरी। द स्टोरी इज टोल्ड बाई द ऑथर, सो ऑथर और नकवी इज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। द राइटर इज कन्वेइंग हर मैसेज टू द रीडर थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी इन डीड। एंड श्योरली टू कंक्लूड अवर डिस्कशन टूडे वी मे से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ताहिरा नकवी हैज रिटन अलॉन्ग विद लावेना इलेक्शन ईयर एंड श्योरली द अथर ऑफ रोजेज द टाइटल स्टोरी। दिस थर्ड वन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज शी हैज रिटन। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन इट इज़ अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।